जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। एकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमर चित्र सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय परमत्रम याग जीवनम जीवन संबंधे भूतोत्मा संबंधे या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपे नमस्तस्य 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 परमार प्रसन्नम प्रेम भक्ति बिना काम शांति साथी हजार प्रणाम। परम दयाल परम पिर में श्री श्री ठाकुर जी लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा एवं पूजनीय बवैदा एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ठाकुर जी के पंजाधारी कर्मीगण सरसेनी व्रतधारी भक्तिमती माता छोटे छोटे बच्चों सबों को मेरा रानंदित जय गुरु। सबसे पहले पटना सत्संग में आबद्ध जितने भी सत्संगी वृंद में दयाल के चरणों में सबों का व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन साथ में सबों का जीवन से रोग शोक ग्रह दोष का निवारण हो मैं दयाल के चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आज सदैव दादा के सहयोग से और सदैव हीरामन दा के सानिध्य से हमें आप लोगों के सानिध्य में दादा हमें कुछ परम पिता की बातें हमें कुछ बोलने का मौका मिला है। सदैव दादा अभी कह रहे थे कि हम एक वक्ता, मैं कहना चाहूंगा दादा मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मुझे जो परम पिता के सानिध्य में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभूति होती है मैं जो परम पिता का एक मैं एक छोटा मोटा एक मैं सेवा जो मेरे से हो पाती है मैं करने का मैं कोशिश करता हूँ दादा। और आज आप लोग का सानिध्य मुझे लाभ हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ परम पिता की बातें को मैं कुछ आप लोग के सानिध्य में बोलने का दादा। और हम लोग तो बोलने वाले कौन होते हैं दादा, कहते हैं कि मुखम करोति वाचालाम पंगुलम है यत कृपातम बंदे परमानंद महात्म। जब हमारे ठाकुर की कृपा होती है सदैव दादा तो हमारे एक गुंगा आदमी भी एक वाचाल हो जाता है और एक नेंगड़ा आदमी भी पूरा एक पहाड़ चढ़ जाता है। तो हमारे परम पिता के सानिध्य में हम लोग का जो मेन स्तंभ है, हम लोग का जो जीवन का जो मेन स्तंभ है सदैव दादा माँ, हम लोग का जीवन का जो मेन पिलर है वो है हम लोग का जीवन का दीक्षा शिक्षा और विवाह। ये तीन चीज पे हम लोग का परम पिता ने पूरे इमारत को एकदम तय कर दिया है। ये गौर करने वाली बात है कि सत्य दादा जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, फिर हमारे भगवान कृष्ण आए, उसके बाद इस कली काल में हमारे परम पिता का आने का क्या फिर बात हो गई। क्योंकि हमारे परम पिता जानते थे इस कली काल में बहुत ही विकट परिस्थिति होने वाली है, बहुत ही एकदम जो हर घर में जो परिस्थिति एकदम विकराल होने वाली है, इसीलिए इस कली काल में हमारे परम पिता का नाम अनुकूल हुआ। अनुकूल इसलिए हुआ कि हमारे परम पिता सब प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए हमारे इस जीवंत आत्मा में बचने और बचाने का पथ लेके इस कली काल में आए दादा मां। अब हमें दीक्षा तो हम लोग को हो जाती है, हमें एक यहाँ पे बड़दा की बात याद आ रही है। बड़दा कहा करते थे कि देखिए कितने इंसान को कितने योनि भटकने के बाद मनुष्य जाति में जन्म होता है, और उस मनुष्य जाति में जन्म लेने के बाद और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली होती है कि हम लोग पुरुषोत्तम से युक्त होते हैं। तो हम लोग दादा माँ हम लोग अगर यहाँ पे जितने भी आबद्ध हैं सत्संगी वृंद यहाँ पे जितने भी हैं हम लोग साधारण भाषा में अगर हम लोग परम पिता से युक्त होते हैं तो हम लोग बहुत ही इसको एकदम इजी वे में ले लेते हैं। लेकिन ये हमारा जीवन का प्रारब्ध कर्म कहिए, मेरा पिछला जन्म का कर्म फल कहिए, उस मेरा जो जीवन का जो बहुत सारा कर्म फल काटने के बाद मनुष्य जाति और हमें पुरुषोत्तम का सानिध्य लाभ प्राप्त होता है सदैव दादा माँ। पुरुषोत्तम कौन होते हैं, कहते हैं ना कि दीक्षा तो हमारे किनसे होनी चाहिए, कहते हैं कि पानी पीजिए आप छान के और गुरु करिए आप जान के। दीक्षा कहाँ होनी चाहिए हमारी,
पुरुषोत्तम की अगर भाषा में कहा जाए, एक बार हमारे ठाकुर से पूछा गया पुरुषोत्तम कौन होते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि जो सभी देवी देवता का समाहार से जिनकी सृष्टि होती है वो पुरुषोत्तम होते हैं। सभी देवी देवता को जब हमारे परम पिता इस कली काल में इस धराधाम पे जब आ रहे थे सदी दादा माँ, तो सभी चीज को केंद्रित करके आ रहे थे, सभी चीज को वो जान रहे थे कि हम अगर कलयुग रूपी में अगर आ रहे हैं तो हमें हर एक चीज का फेस करते हुए आना है। और वो चीज को इस धराधाम पे परम पिता हमारे आए, और हम लोग का मतलब भगवान राम के टाइम में कोई दीक्षा का विधान नहीं था, भगवान कृष्ण के टाइम में विधान नहीं था, लेकिन हमारे परम पिता दीक्षा इसलिए लेके आए कि बचने और बचाने का जो पथ है वो लेके आए। अब देखिए दीक्षा हम लोग के जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है सद्य दादा मां। दीक्षा एक बार हमारे परम पिता हमारे युग अवतार कल्कि अवतार श्री श्री ठाकुर जी जीवंत आत्मा में विराजमान थे, उस टाइम परम पिता के पास एक भक्त आते हैं और परम पिता से कहते हैं कि ठाकुर जी आप दीक्षा 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 के बारे में इतना बातें करते हैं, तो क्या ठाकुर जी जो दीक्षा लेगा वो बचेगा और जो दीक्षा नहीं लेगा वो नहीं बचेगा? परमपिता बहुत ही सोम सरल भाषा में उस भक्त का निवेदन सुनते हैं और कहते हैं कि देखो बचना या ना बचना या कौन बचेगा या नहीं बचेगा ये तो परमपिता के हाथ में है, लेकिन परमपिता का जो दीक्षा लेता है वो परमपिता के सानिध्य में आ जाता है, वो परमपिता की ट्यूनिंग में आ जाता है, उनके संपर्क में आ जाता है, और उसके जो परमपिता का जो विधान है, जो परमपिता के जो विधान बताए गए उस विधान के अगर संपर्क में रहते हैं सद्धे दादा मां, तो हम लोग बचपन में एक खेल खेला करते थे, एक छोटा सा चुंबक में एक छोटा सा पिन को हम लोग एक दूसरे से टच करने की कोशिश करते थे, और कुछ देर के बाद उस चुंबक से उस पिन को उस सप्त पिन को अगर हम सटा के रखते थे और आधा एक घंटा के बाद उस पिन को निकालते थे और कोई पिन में अगर सटाते थे तो वो भी एक चुंबक बन जाता था। तो हम अगर परम पिता के सानिध्य में है तो हमारा भी जीवन उस छोटा पिन और उस चुंबक के समान हो जाएगा दादा। सिर्फ हमें परम पिता की बातें को सिरधार लेके चलने की दरकार है। परम पिता कहते हैं कि पूजा का मतलब क्या होता है, पूजा का तात्पर्य क्या होता है, पूजा का तात्पर्य हमारे युग पुरुषोत्तम युग अवतार ठाकुर जी कहते हैं दादा माँ कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको अपने जीवंत में आप उतारिए, सिर्फ फूल पत्ती की पूजा वो पूजा हमारी सार्थक नहीं होती है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि सावन महीना हो गया या कार्तिक महीना हो गया, हम लोग का ठीक है लहसुन प्याज मीट मछली छोड़ दिए, उससे क्या हो जाएगा? सावन महीना में कौन हमारे शंकर भगवान क्या बोले हैं क्या कि आप मीट मछली लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, या कार्तिक महीना में क्या ऐसा चीज क्या है? अगर हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, अगर हम भगवान शंकर के भक्त हैं, तो भगवान शंकर का जो जीवंत रूप है उसको अगर हम अपने जीवंत में उतारें तो मेरा पूजा वो पूजा साकार होगा, नहीं तो मेरा सारा पूजा बंध्या पूजा हो जाएगा दादा माँ। हमारे परम पिता कहते हैं कि वो पूजा पूजा हमारा कोई पूजा कोई सार्थक नहीं होगा। और पुरुषोत्तम के सानिध्य में जो हमें सिंपल सा विधान दिए हैं उनसे युक्त होने का, उनसे जो युक्त होने का जो विधान है, एक बार हमारे वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा से पूछा गया कि दादा सब लोग कहते हैं कि अजप्पा नाम क्या होता है, अगर हम लोग साधारण भाषा में सदे दादा माँ हम लोग सत्संगी वृंद इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि जो चलते फिरते उठते बैठते जो जाप होता है उसको हम लोग अजप्पा जाप की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन जब हमारे आदर्श पुरुषोत्तम हमारे वर्तमान आचार्य देव से जब पूछा गया कि दादा अजप्पा जाप क्या होता है, तो दादा का देखिए कितना सटीक सोम और सरल भाषा में जवाब था। दादा कहते हैं कि अजप्पा जाप का मतलब होता है कि जो आपकी धड़कन चल रही है ना, जो हम लोग का जो दिल का जो धड़कन चल जो धड़कता है ना, उसके साथ अपना नाम को अटैच कर दीजिए, उस धड़कन के साथ में अपना नाम को अटैच कर दीजिए।
उसके बाद आप ठाकुर की महिमा को समझ में आएगा। आपका वर्तमान, भूत और भविष्य सद्य दादा माँ आपको समझ में आएगा कि परम पिता क्या है। हमारे परम पिता वो जीवंत आत्मा है, कहते हैं ना कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीत गुरु वंशधर, रेत शरीर में रहकर जीवंत निरंतर। हमारे जब परम पिता जब तक इस धरा धाम पे आए और वो जब लीला किए और जब वो लीला करके जब चले गए तो सारे लोग के एकदम अंदर में कोहराम समझा कि अब क्या होगा, इस सत्संग का क्या होगा। लेकिन दादा माँ जो हमारे परम पूज्य पाद जो हमारे ठाकुर जी थे, वही हमारे परम पूज्य पाद श्री वरदा थे और वही हमारे वर्तमान आचार्य देव दादा हैं और वही हमारे पूजनीय बबाईदा हैं। ये जीवंत आदर्श हैं। अगर हम लोग पूजनीय बबाईदा के सानिध्य में जाते हैं या वर्तमान आचार्य देव के सानिध्य में जब जाते हैं तो हमें एक जीवंत आदर्श परम पिता का दर्शन, ठाकुर जी का जीवंत दर्शन परम पिता के सानिध्य में, आचार्य देव के सानिध्य में युक्त होने के बाद हम लोग को उस चीज की महसूस होती है दादा माँ कि ठाकुर जी क्या थे और उनके विधान। अगर हम अपना धड़कन के साथ अपना नाम को, गति को अगर अटैच कर देते हैं दादा, तो आपको उस चीज की अनुभूति होगी। परम पिता कहते हैं कि तुम भी छोटा ठाकुर बन सकते हो तुम, और हमारे पूजनीय बबाईदा भी यही बोलते हैं कि आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं। मैंने अपने जीवंत आदर्श परम पिता को, ठाकुर को अपने अंदर में समाहित कर लिया है। लेकिन आप लोग क्या होता है कि थोड़ी सी दुख दर्द, थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हम लोग विच्छेद हो जाते हैं, हम लोग उस पथ से थोड़ा विच्छेद हो जाते हैं कि हे ठाकुर अब हमको कष्ट हो गया। लेकिन अगर हम पूरे परम पिता को पूरे मन से, पूरे कर्म से, पूरे वचन से, अगर हम अपने जीवंत आदर्श को, परम पिता को अगर हम अपने जीवंत में उतार लेते हैं सद्य दादा माँ, तो आपके नाम की गति आपको एहसास होगा। आपका वर्तमान, भूत और भविष्य, यहाँ तक कि आपका पिछला जन्म का एहसास होगा कि मैं क्या था। और वर्तमान अगर आपके नाम की गति अगर सही है, और नाम की गति जैसे अभी दादा ने कहा है कि नाम अगर आप धड़कन के साथ अटैच कर देते हैं तो आपके 24 घंटा में आपको एहसास होगा कि सुबह क्या होगा, शाम क्या होगा, दोपहर क्या होगा। सिर्फ नाम की गति से, सिर्फ नाम की महिमा से। एक बार पूजनीय बबाईदा से एक भक्त क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही एकदम भाव से क्वेश्चन करते हैं। और उस टाइम अभी तो खैर लॉकडाउन है, अभी देवघर में हम लोग का आगमन नहीं हो रहा है। जिस टाइम पूरा सब कुछ खुला हुआ था, जब हमारे बबाईदा प्रथा के बाद जगह पे बैठते हैं और सबका निवेदन जब सुनते हैं, तो उनसे एक भक्त पूछा कि बबाईदा आप हमको एक चीज बताइए, आपके पास सवेरे के टाइम में हर दिन इतने इतने भक्त आते हैं, इतने इतने भक्त आते हैं और आप सबकी फरियाद सुनते हैं, और आपके जो जो भी भक्त की समस्या होती है आप उस भक्त का, उसके समस्या का समाधान वो भक्त बोलता है, और विथ इन सेकेंड आप उस भक्त को जवाब देते हैं। इसका क्या क्या इसका ये क्या आपका जीवन का मूल मंत्र है। देखिए कहते हैं, मैंने जैसे बोला अभी पहले कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीत गुरु वंशधर, रेत शरीर में रखकर जीवन निरंतर, वो हमारे बबाईदा हैं, वो ठाकुर के एक जीवंत आत्मा है, जीवंत आत्मा है। तो बबाईदा का क्या जवाब था सद्य दादा माँ। बबाईदा ने कहा कि देखो आज जो मेरे पास भक्त आया है ना, या जो आज जो भक्त मेरे पास जो क्वेश्चन, जो अपनी समस्या का समाधान लेके आया ना, वो मेरे पास छह महीना पहले मेरे पास उस भक्त का मेरे पास आता है कि इस दिन इस डेट में इतने बजे इस भक्त का मेरे पास ये आएगा, और मेरे पास 6 महीना पहले उस क्वेश्चन का जवाब तय होता है।
ये कैसे होता है? सिर्फ नाम से, ठाकुर को अपने जीवंत में अपने विराजमान कर लेने से, अपने जीवंत आत्मा में। सद्य दादा माँ हमारे परम पिता ये जो कल्की अवतार है, ये कोई हमारे आकाशीय भगवान नहीं है, ये कोई हमारे दीवाल में टांग लेने वाले भगवान नहीं है कि मैंने अगरबत्ती दिखला दिया, फूल पत्ती चढ़ा दिया तो मेरा भगवान साकार हो गया। ये आपके परिवार के सदस्य हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि हमें तुम परिवार का सदस्य समझो। अगर आप अपने घर में दो परिवार हैं, तीन परिवार हैं, वहां पे कभी भी दो या तीन परिवार, दादा माँ आप कभी भी वो चीज को महसूस नहीं करिए। अपने परम पिता को जीवंत आत्मा में देखिए कि मेरे परम पिता, हमारे तो पिता के पिता के पिता है, वो मेरे परम पिता। हम लोग बोलते हैं कि मेरे परम दयाल, परम किरमय, परम पिता, तो ये मेरे पिता के पिता के पिता है। तो इनको हम लोग अगर अपने घर में तो जगह देते ही देते हैं, अगर हम अपने दिल में अगर स्थान देते हैं ना सद्धे दादा माँ, तो परम पिता की आपकी अनुभूति होगी, आपके जीवंत में जो परम पिता क्या है। और आप कोई भी काम करने के लिए जब जब निकले घर से, क्योंकि परम पिता आपके जीवंत आदर्श हैं, आप कोई भी चीज को बोल के अगर आप निकले कि परम पिता में ये काम, जैसे आप अपने पिता से, अपने अपने गार्जियन से, अपने अपने पेरेंट्स से घर में कोई चीज को, एक अबोध बच्चा जैसे ढंग से कोई बात, मतलब जो कोई बच्चा होता है और वो अपना गार्जियन से वो भी चीज को पूछ के निकलता है या कुछ करता है, उसी ढंग से अगर हम परम पिता से सारी अज्ञान लेके निकले दादा ना, तो हमारे पिता एक दर्दी पुरुष हैं। हमारे पिता वो एक एक चीज का दर्द लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमारा भक्ति, हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम हमारे परम पिता का कितना होता है। कहते हैं कि जैसा मैं राम को भजता हूं वैसा मेरे राम होते हैं। हमारे परम पिता कहते हैं कि जो भक्त हमको जिस रूप में देखता है, वो मैं उसको उस रूप में देखता हूं। मैं बकरी के साथ में बैठ के मैं पत्ता भी खाता हूं, मैं चोरों के साथ में चोरी भी करता हूं, मैं शराबियों के साथ में बैठ के शराब भी पीता हूं, लेकिन मैं नास्तिक के साथ मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ज्ञानियों के साथ मैं महाज्ञानी हूं। हमारे परम पिता दादा पुण्य पोथी की वो बात हमें याद आती है। परम पिता कहते थे कि कुछ भी नहीं था इस संसार में, कुछ भी नहीं था, सारा जीवन ये मुझे इच्छा हुई ये हमें सृष्टि करने की, और इस सृष्टि हुई मैं ही हूं वो। हमारे भक्त जो हमारे संरक्षण में आते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उस भक्त की रक्षा करता है, मेरे डर से सूर्य अग्नि ताप देता है, इंद्र भी वायु ताप देता है, और मेरे शरणागत में आए भक्त की रक्षा मेरा सुदर्शन चक्र करता है। बातें तो बोल दिए दादा, लेकिन कितना परम पिता की बात को हम लोग जीवंत में उतार पाते हैं। अभी बिंकी दा का पूरे एक जो उपयोजना केंद्र का जो मुहिम चला हुआ है, वो सब जगह सदे जो ठाकुर के जो वंशज है सदे बिंकीदा एक एक बात को बोल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले बोकारो में भी था उनका, मैंने उनकी बात को सुन रहा था। बिंकीदा कह रहे थे कि जिस दिन से जो इंसान परम पिता का दीक्षा का संकल्प लिया, वो परम पिता का भक्त हो गया, वो परम पिता का आदमी हो गया, परम पिता का ये चीज हो गया। लेकिन क्या हम अपने जीवंत में परम पिता को उतार पाते हैं दादा माँ? हम लोग जीवंत में परम पिता का जब दीक्षा होता है, दीक्षा तो हमारे परम पिता देते हैं, हमारे कल्की अवतार ठाकुर जी दीक्षा देते हैं, हमारे ऋतिक देवता हमारे एक माध्यम होते हैं, तो हमारा कुछ कुछ भक्त के पास कुछ कुछ समस्याएं होती है, वो हर समस्या से घिरी होती है। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि ठाकुर, बहुत सारे अभी भी ठाकुर परिवार में जाते हैं, मतलब पूजनीय बवैदा के पास जाते हैं, आचार्य देव के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमको ये जीवंत में समस्या है, ये जीवंत में समस्या, ये जीवंत में समस्या है। लेकिन वो भुला जाते हैं कि जिस टाइम हमारा परम पिता का दीक्षा हुआ, और जिस टाइम मैंने दीक्षा के टाइम में हमारे ऋतिक देवता के मार्फत में पानी पिया,
उस वही टाइम ठाकुर जी का जो हमारे जीवंत आत्मा का जो बीज है, हमारे परम पिता हमारे अंदर में प्रवेश करे। तो हम उस परम पिता को कितना अपने अंदर में बढ़ाए, कोई भक्त से पूछिए कि दीक्षा के टाइम में कुछ संकल्प दी जाती है, वो संकल्प भूल जाते हैं। उस भक्त को जो हमारे सहपर्ति ऋतिक दादा, हमारे ऋतिक दादा जो दीक्षा देते हैं, चार कम से कम चार संकल्प दी जाती है, छोड़ दीजिए 4 से 5 संकल्प। अगर हम सिर्फ जीवन में पहला संकल्प दादा माँ ध्यान देंगे, पहला संकल्प अगर हम जीवन में उतारें और वो पहला संकल्प में दोहराया जाता है कि आज से मैं संकल्प करता हूं या मैं संकल्प करती हूं कि जीवन के परम उद्धार करता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का प्रतिष्ठा करना मेरा जीवन का यज्ञ है, मैं ये संकल्प करता हूं कि आज से मैं संकल्प करता हूं कि मैं जीवन के परम उद्धार करता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का प्रतिष्ठा करना मेरा जीवन का यज्ञ है। मैंने तो ये संकल्प किया दादा माँ, लेकिन क्या हम अपने परम पिता को अपने अंदर में समाहित कर पाते हैं क्या? थोड़ी सी दुर्बलता आती है, थोड़ी सी ये चीज होती है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। हम अगर वृत्ति प्रवृत्ति के आगोश में आ जाते हैं और वृत्ति प्रवृत्ति का अगर हम काबू नहीं पा पाते हैं तो हम वृत्ति प्रवृत्ति के एकदम अधीन हो जाते हैं। ठाकुर जी के पास एक भक्त आया और ठाकुर जी से कहता है कि ठाकुर जी आपको सब ठाकुर 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 कहते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ठाकुर, ठाकुर का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी ने बहुत ही सोम सरल भाषा में उस भक्त को कहते हैं कि ठाकुर का मतलब होता है ठोकर मारना। फिर वो भक्त एक ढंग से मीडिया वाला था, पत्रकार था, फिर वो हंस के ठाकुर से कहता है कि ठाकुर किसको ठोकर मारना? आप वो कहते हैं कि ठोकर ठाकुर का मतलब है ठोकर मारना, किसको ठोकर मारना? ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, उस चीज को ठोकर मारना और उसको परम पिता को अपने अंदर में समाहित कर लिए हम लोग उस चीज को, परम पिता को कहते हैं कि उस चीज को ठोकर मार दिए। दादा माँ हम लोग जय राधे राधे में तो बोलते तो हैं कि छारो रे मौन कपट चतुरी, पदों ने बोलो हरि हरि, हरि नाम परम ब्रह्म जीवले मूल धर्म। मतलब छारो रे मौन कपट चतुरी, ये हमारे अंदर में जो कपट चतुरी है उसको हटा दीजिए। लेकिन क्या हम अपने मन से कपट चतुरी को हटा पाते हैं? क्या ईर्ष्या द्वेष, क्या हम बड़ाई को, हम उस चीज को निकाल पाते हैं? सारे लोग आज का तारीख में वो चीज के वृत्ति प्रवृत्ति के चपेट में आ गए कि मैं तो बहुत अच्छा ये कर लेता हूं, मैं तो वो अच्छा ये कर लेता हूं, मैं तो ये अच्छा कर लेता हूं, मैं तो वो अच्छा कर लेता हूं। और परम पिता का वही चीज ठाकुर ने कहा कि अहंकार ही पतन का कारण होता है। जिस इंसान में अहंकार आ गया वो उसकी पतन निश्चित है। अहंकार क्या? परम पिता कहते हैं कि अबोध बच्चा, जैसे कोई अबोध बच्चा होता है और अबोध बच्चा के एकदम जिस ढंग से वो कोई उसको ज्ञान नहीं होता है, वो अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हो जाता है। जैसे कोई बच्चा नवजात शिशु बच्चा होता है, वो क्या खाएगा क्या पिएगा और क्या उसकी कहाँ वो सोएगा, ये उनके माता पिता का योग होता है कि मेरा बच्चा को भूख लगा है, किस टाइम भूख लगा है। तो हमारे माँ जो माँ होती है उस माँ को अनुभूति हो जाती है, उस माँ को अनुभूति होती है कि इतने टाइम में मेरा बच्चा को भूख लगा, और ठीक उस माँ को अनुभूति होती है दादा माँ, और वो नवजात शिशु बच्चा वही टाइम रोने लगता। क्योंकि होता क्या है, वो नवजात शिशु बच्चा का दिल का जो जो एक तार होती है, जो धड़कन होता है, वो माँ से अटैच हो जाता। तो हमारे परम पिता तो परम पिता है, ये तो दर्दे पुरुष है। अगर हम परम पिता से अगर अटैच हो गए तो हमारा जीवंत का जो मूल चीज है तो हमारा परम पिता वो ले लेते हैं। कहते हैं ना दादा कि जिस ढंग से दूध के बगैर मक्खन नहीं होता है और उसी ढंग से यजन के बगैर याजन नहीं होता, ये परम पिता की वाणी है। परम पिता की वाणी है अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपसे कुछ नहीं होगा। भवैदा बोलते हैं कि पंखा तो तुम ले लियो, पंखा को अगर नहीं हिलाते हो तो क्या वो हवा आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए अगर हम परम पिता का जो सानिध्य में है, आपके पास
हथियार है, हथियार परमपिता ने दे दिया है, लेकिन चलाने की गतिविधि आप नहीं जान रहे हैं तो क्या होगा? सारी बातें परमपिता कहते हैं कि तमछागत रह जाती है। अगर हमारी सारी बातें अगर सिर्फ चिंतन या खुराक मात्र का करते हो, इसको वास्तव या कर्म आचरण में नहीं उतार पाते हो, तो ये सारी बातें मेरी तमछागत रह जाती। तमछागत क्या? ये जो झाड़ी का कांटा होता है ना दादा माँ, वो झाड़ी के समान वो परमपिता की सारी बातें हो जाती है। ठाकुर ने कहा है कि सिर्फ तुम दो कदम चल के तो देखो, दो कदम तुम चल के देखो, मैं तेरे लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार हूं। हम लोग देखते होंगे सदी दादा माँ, रेलवे स्टेशन में या बस डिपो में अगर कोई कुली होता है ना, और उस मालिक का सामान अगर माथा पे लेके चलता है ना, तो उसके पीछे पीछे मालिक चलते हैं कि मेरा जो सामान है, जो मेरा जो ब्रीफ केस है, मेरा बैग है, कहीं इधर उधर कुली लेके नहीं भाग जा। तो अगर हम परमपिता का काम करेंगे, परमपिता के सानिध्य में रहेंगे, तो परमपिता तो हमारे कंधे पे सवार होके काम कराते हैं। हम लोग करने वाले कोई नहीं होते हैं, कहते हैं कि करते हो कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, करते तो परमपिता हैं। सिर्फ हमें पात्र बनने की दरकार है सद्य दादा माँ, पात्र बनने का। जिस ढंग से बारिश में, बरसात में जो बारिश होती है ना, और कोई मान लीजिए कटोरा है, कटोरा को अगर हम सीधा करके रखते हैं तो वो कटोरा में लबालब पानी भर जाएगा, वही कटोरा को अगर हम उल्टा करके रख देते हैं तो उस कटोरा में एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। तो परमपिता का जो हमें जो सानिध्य लाभ है, फिर हमें पात्र बनने की दरकार है। परमपिता तो बारिश तो लबालब कर रहे हैं, और इस जो विकट परिस्थिति है, पर अभी हमारे वर्तमान आचार देव हो या पूजनीय बाबेदा हो या ठाकुर के जितने भी परिवार हो, बचाने के लिए एकदम तत्पर है। हमसे ज्यादा उन लोगों को चिंता है, हम लोगों को दर्शन नहीं कर पा रहे, हम लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे दादा बहुत दुखी है। देख नहीं पा रहे हैं तो हम लोगों के लिए बहुत दुखी हैं। वो तो त्रिकाल दर्शी है सद्य दादा माँ, वो तो एक एक चीज को वो देखते हैं कि कौन भक्त मेरे लिए क्या कर रहा है और कौन भक्त नहीं कर रहा है। हमें मुंह से व्यक्त करने की दरकार नहीं होगी। परमपिता कहते हैं ना कि जिस ढंग से तुम्हारे में अगर ठाकुरत की भाव आया ना, तुमको ठाकुरत की अगर भाव आया तो तुमको अपने मुंह से व्यक्त नहीं करना पड़ेगा कि तुम ठाकुर के भक्त हो। तुमको उस 5,000 का भीड़ में भी तुमको परमपिता का लोग तुमको देखेंगे, तुम्हारे हाव से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी भाव भंगिना से तुमको लोग देखेंगे कि ये ठाकुर के कर्मी है, ठाकुर के आदमी है, ये हमारे पुरुषोत्तम के आदमी है। और अगर आप वो चीज अगर नहीं कर पाए, तो यानी आपका सही ढंग से परमपिता को अपने जीवंत में नहीं उतार पाए हैं दादा माँ। अगर हम परमपिता को अपने जीवंत में अगर उतार लिए, तो हमें मुंह से नहीं करना होगा। परमपिता ने कहा है कि जिस ढंग से अनार पकते के साथ फट जाता है, उसी ढंग से तुम्हारे में ठाकुर का भाव आते के साथ तुमको लोग देखेंगे, तुमको लोग जानेंगे, तुमको लोग पहचानेंगे, तुमको मुंह से व्यक्त नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी भाव भंगिना से, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारी शारीरिक भाषा से तुमको लोग देखेंगे सद्य दादा माँ। परमपिता कहते हैं कि अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है दादा माँ। परमपिता मैंने बोला कि जीवंत आत्मा में विराजमान है, जीवंत आत्मा में विराजमान है। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभूति मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। वैसे मैं हमारे जो जीवंत आदर्श परमपिता जो है, हमारे जो जो मेरा जो जीवंत की जो अनुभूति है दादा, मेरा जीवंत में इतनी अनुभूति है कि मैं आप लोग के बीच में क्या बोलूं। अगर हमारे जीवंत में अगर मैं पूजनीय बाबेदा का सानिध्य मुझे प्राप्त नहीं होता दादा माँ, तो आज का तारीख में आपके बीच में मैं बैठ के परमपिता की बात को नहीं बोल पाता, मेरा अस्थि कलश भी बह चुका था, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे एकदम भीषण भीषण एक्सीडेंट जो हुआ है, लेकिन परमपिता का एक ऐसा मेरे जीवंत आदर्श में हमारे पूजनीय
का सानिध्य लाभ है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, बोलते बोलते हमारी बातें मेरी खत्म नहीं होगी कि मेरा व्यक्तिगत अनुभूति क्या है। और पूजनीय बाबा कहते हैं कि व्यक्तिगत अनुभूति बोलो, क्योंकि आपके अनुभूति से आप लोग निर्मुल हो कि परम पिता के सानिध्य में युक्त होने से तुम्हारा जीवंत में क्या परिवर्तन हुआ। अगर आपके जीवंत में ठाकुर का दीक्षा लेने के बाद अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो सोच लीजिए कि आप हम लोग परम पिता को अपने जीवंत आदर्श में नहीं स्थापित कर पाए हैं। मेरी बात को दादा माँ आप लोग अदरवाइज ना लेंगे, क्योंकि मैं जो अनुभूति कर पाता हूँ वो मैं आप लोगों के बीच में मैं कुछ बोलने का मैं कोशिश करता हूँ। मैं बोला कि मैं एक व्यक्तिगत अनुभूति अभी हाल में रिसेंट में 27 जून को, आज 27 जुलाई है, ठीक एक महीना पहले की ये घटना है। हमारी माता जी का इस दुनिया से दयाल धाम वो निकल गई 27 जून को, आज का तारीख में आज मैं 27 जुलाई को मैं आप लोगों के बीच में परम पिता का सानिध्य में आप लोगों के बीच में मैं बात में रख रहा हूँ। लेकिन मैं दयाल लोक जाने के पहले मैं अपनी माँ का घटना आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। दादा माँ कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन एक महीना पहले, हमारी माँ का उम्र तकरीबन 75 से 80 साल के बीच हो गया था। उनकी उम्र तो ऑलरेडी हो चुकी थी लेकिन एकदम वो स्वच्छ थी, चलती फिरती थी, सारा चीज अपना काम क्रियाकलाप सब कुछ खुद से करती थी, पूरा फुर्ती थी, शरीर भी बहुत हल्का था उनका, अभी दोनों आंख का मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन हुआ था, तो चलना फिरना उठना बैठना सबसे वो खुद से करती थी। लेकिन उसको कुछ दिन पहले तकरीबन उनका आत्मा निकलने के पहले तकरीबन एक महीना पहले उनका बॉडी में पैरालिसिस मार दिया। पैरालिसिस मार देने के बाद दादा माँ पूरा उनका बायां साइड का शरीर, पूरा बायां शरीर, बायां साइड का जो शरीर था वो एकदम शून्य हो गया, कोमा में चला गया, एकदम स्थिर हो गई, वो कुछ नहीं बोल पाती थी, नहीं वो हल्का हल्का जैसे कोई अबोध बच्चा हा ना में करता है वो उस ढंग से वो करती थी, कोई खाना पीना नहीं, एकदम लिक्विड किसी तरह। डॉक्टर के संरक्षण में जब देखा गया, और कोरोना तो उस टाइम पीक में था, तो जो भी हुआ उनका ट्रीटमेंट हो रहा था लेकिन सुधार नहीं हुआ। मैंने बोला अभी कुछ देर पहले कि मैं पूजनीय बाबा दा के सानिध्य में मैं उनके मार्गदर्शन में मैं रहने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो तो मालिक है और मालिक के सानिध्य में रहने से जीवन उज्जवल होगा। तो मैं काफी विचलित हो गया था उस पीरियड में, और मैं आनन फानन में मैं देवघर में सदी राजेश दास से मेरी बात हुई, और मैंने राजेश दास को एक एक बात बोला। मैं बात करते करते मैं बहुत भावुक से मैं बात कर रहा था, मैं एकदम भावुक अवस्था में मैं राजेश दास को मैंने सारी बात मैंने बोला कि दादा हो सके तो मेरे मालिक से मेरी माँ के लिए फरियाद करिए कि उनका जिस चीज में मंगल हो वो चीज आप मालिक से करिए। तो दादा हमारे राजेश दा भी बहुत भावुक हो गए, बोले आप अजय चिंता मत करिए, मैं बाबा दास से मैं निवेदन करने की मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो वो अभी नीचे नहीं उतरते हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, चाहे फोन से हो या जैसे भी हो जाके हो मैं कोशिश करता हूँ। तो हमारे सदी राजेश दा ने पूजनीय बाबा दा के सानिध्य में ये बात रखा गया, ऐसे ऐसे बात है। बाबा दा ने एक ही बात बोला कि अब जो होना था उनको तो हो गया, हमको हिदायत दिए कि आप जब भी माँ के पास जाएंगे बहुत सावधानी में जाइएगा, और आप नाम में रहिए, परम पिता के नाम में रहिएगा, ठाकुर का नाम करते रहिए ताकि उसका जीवन मंगल हो। ठीक है, अब बोले कि पूरा प्रिकॉशन में जाइएगा, ग्लोव्स में जाइएगा, ये में जाइएगा, सैनिटाइजर लेके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि शरीर उनका कमजोर हो, कोरोना का भी अटैक हो सकता है, और ये चीज आपके लिए आपका एक सेक्शन है बवैदा का, आप इसको सिरेधार करके चलिएगा। बोले ठीक है दादा, जब मालिक का आशीर्वाद है तो हम इस चीज को अपने जीवन को उतारें। लेकिन माँ तो दादा माँ होती है, जाता था उनको तो उनके पास में बैठता था, सारी बातें होती थी,
उसके बाद धीरे धीरे दादा उनका और अवस्था गिरने लगी, गिरने लगी, गिरने लगी, और धीरे 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 उनका पूरा शरीर में बेड सोल होने लगा, घाव होने होने लगा पूरा शरीर में, पूरा शरीर में घाव घोस होने लगा। और मैंने जितने भी हमारे दादा सप्रति लोग, चाहे देवघर में हो या हमारे जितने भी हम हमारे सप्रति ऋतिक दादा हैं, सबों से मेरी, इवन देवघर में भी हम बात कुछ कुछ दादा से मेरी हुई, तो कुछ कह रहे थे कि ठीक है जेदा, जो होना था माँ को तो हुआ, अब तो वो तो इस वृत्ति नहीं कर सकती है ना, आप अपने माँ के लिए शिविर करी। बोले ठीक है दादा, माँ के नाम से जब मैं उठता था ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं माँ का भी, मैं अपना भी स्मृति करता था, माँ का भी स्मृति करता था। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना तक चलता रहा दादा माँ। और उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन गिरने लगी, दिन प्रतिदिन गिरने लगी। और एक दिन की बात है दादा माँ, ध्यान देंगे कि मैं क्यों मैं बोला कि परम पिता जीवंत आत्मा में विराजमान है, मैं इसलिए ये बात अपना व्यक्तिगत अनुभूति आप लोग के बीच में रख रहा हूँ। एक दिन जब मैं उनके माँ के अपने सानिध्य में गया, तो उसका दर्द दादा माँ, जो पूरा शरीर में जो घाव हो गया था, पूरा पांव में भी, पीठ में भी, सब जगह घाव हो गया था, वो तो बोल तो नहीं पाती थी कुछ, लेकिन वो आंख से हमको देख के लग रहा था कि आंखों से आंख में आंख डाल के सारी बात हमको बोल दी। उस दिन दादा माँ मैं बहुत विचलित हो गया, मैं इतना विचलित हो गया था उस दिन कि मैं आप लोग के बीच में मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि माँ का शरीर में घाव नहीं हुआ है, वो घाव मेरे शरीर में हुआ है, और माँ हमको बोल रही है बेटा अब मेरा दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है, हमको ये चीज महसूस हो रहा था दादा माँ। तो मैं आया, घर आया, बहुत उस दिन मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत मैं खाना भी नहीं खाया। भाई बोली कि चिंता मत करिए, परमपिता का तो नाम ध्यान कर रहे हैं ना, मालिक से तो निवेदन कर दिए है ना। बोले ने ठीक कर दिए, सब कुछ कर दिए हैं, लेकिन मैंने जो आज उसका कष्ट देखा और जो मैंने उसको आज अनुभूति किया और जो हमको हाथ पकड़ के जो बोले, मैं वो बोल मैं भूल नहीं सकता हूं। अगले दिन दादा माँ जब मैं परम पिता के सानिध्य में जब मैं उठा ब्रह्म मुहूर्त में, और मैं तो माँ की स्मृति हर दिन करता था, हर दिन करता था, लेकिन उस दिन उठने के बाद मुझे वो भाव आया, मैं कुछ डब्बा से मेरे हाथ में जितने भी चेंज पैसा आया मैंने लिया, मैंने परम पिता के सानिध्य में रखा। अभी मैं जो आपके बीच में परम पिता की बात में जो कर रहा हूं, वो मैं परम पिता के सानिध्य में, परम पिता की जहां एकदम सानिध्य छवि है, मैं वहीं पे बैठ के आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूं। और उस ब्रह्म मुहूर्त में मैंने परम पिता का पैसा लिया और मैंने बोला कि ठाकुर जी, परम पिता आप मेरे परम पिता हैं, आज के बाद मैं अपनी माँ का इस वृत्ति नहीं करूंगा, मैं अपनी माँ का इस वृत्ति नहीं करूंगा, और मेरी माँ का जिसमें मंगल हो आप वो करिए। अगर हमने एक दिन भी अगर आपके प्रति अगर हमारी निष्ठा भक्ति प्रेम अगर मैं ठाकुर भक्त अगर मैं किया हूंगा, तो मेरी माँ को आप या तो दयाल धाम लेके जाइए या उसमें जिसमें मंगल हो वो से ही करिए। दादा माँ मैं बोल रहा हूं तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे, वो सीन मेरा एकदम याद आ रहा है। मुझे जब मैं इस व्यक्ति करके मैं जब ये बात मैं जब परमपिता को जब मैं बोला और मैं जब परमपिता के आंख में आंख डाल के जब मैंने कोशिश किया देखने का, दादा माँ आप बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करिएगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ठाकुर के आंख एकदम भरा हुआ था। तो मैं डर से मैं पूरा कांप गया कि पता नहीं मैं मालिक को क्या बोल दिया, मैं क्या बोल दिया मेरे डर से, और मेरे शरीर कांपने लगे कि मैं पता नहीं मैं कहीं आवेश में आके तो मैं परमपिता को कुछ नहीं बोल दिया। फिर मैंने बोला कि ठीक है ठाकुर, आपका जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि उसमें जिसमें मेरी माँ का मंगल होगा उसी में आप उनके लिए निहित करिए।
दादा माँ विथ इन सेकेंड हमें एहसास हो रहा है कि मेरे परम पिता जीवंत आदर्श मेरे मालिक कह रहे हैं कि हमें 24 घंटा का तो वक्त दो, 24 घंटा का तो वक्त दो। हमें एहसास हो रहा कि मेरे परम पिता हमारे धरती पुरुष हमसे ये बात बोल रहे हैं कि 24 घंटा का तो समय दो। दादा माँ उसके बाद मैं अपने आप को किसी तरह मैं संभाला, फिर मैं अपना इस वृत्ति किया नाम में, जो मैं मेरे से जितना देर तक नाम होता है मैंने नाम किया। फिर मैं, हालांकि मेरे मन में तो वो भाव तो था कि पता नहीं मैं कुछ बोल दिया परमपिता, फिर मैंने माफी भी मांगा कि परमपिता मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने माँ का कष्ट देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके सामने ये बात बोला, लेकिन आपने मुझे जवाब दिया कि 24 घंटा का तो समय दो। दादा माँ मैंने ये जो हमको अनुभूति हुई, मैं अपना बहन लोग को मैंने बोला कि माँ अब हो सकता है कि 24 घंटा का मेहमान है। मेरी बहन लोग बोले भी कि तुमको कैसे इस चीज का एहसास हो रहा है 24 घंटा का मेहमान। हमने बोला कि मालिक ने मुझे कहा है, मुझे अनुभूति हुई है कि 24 घंटा अब हो सकता है कि वो माँ बचेगी या जो भी हो। दादा माँ जब अगले दिन मैं जब उठा, तो मैं अगले दिन फिर जब मैं परम पिता से मैं आंखों में आंख नहीं मिला पा रहा था कि ठाकुर जी मैंने तो कल बोल दिया, लेकिन मैं एक अबोध बच्चा समझ के मुझे आप माफ करिएगा, मैं आपके सामने में दादा ठाकुर मैं अबोध बच्चा हूं, अगर हमारे से गलती हुई है। और दादा माँ इस वृत्ति करने के बाद हमको और फुल्ली रूप से विश्वास होने लगा कि अब मेरी माँ नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे कोई होता है ना, घर में कोई गेस्ट आते हैं और वो गेस्ट आपके घर से जब निकल जाते हैं तो घर देखिएगा पूरा सूना सूना लगने लगता है, कि लगता है घर आपका खाली खाली होने लगा। या दुर्गा पूजा का जब विजयादशमी होती है तब जब मूर्ति विसर्जन हो जाता देखते हैं तब सुनसान टाइप का लगने लगता है, या छठ खत्म होता तो जब छठ पूजा खत्म हुआ लगता कि अब खत्म हो गया, तो हमें ऐसा अनुभूति होने लगा कि एकदम खाली खाली सा। और मुझे उस दिन संडे भी था, मुझे परम पिता के सानिध्य में हमें ठाकुर जी का ऑनलाइन सत्संग मुझे बोकारो में भी करने का संडे को मौका मिलता है। मुझे एहसास होने लगा कि आज हो सकता है कि मैं सत्संग का परिचालन नहीं कर पाऊंगा दादा माँ। मुझे अनुभूति होने लगा और मैं बहुत ही एकदम मुझे लगने लगा कि एकदम उस दिन संडे का दिन मेरा जीवन एकदम नीरस टाइप का लगने लगा दादा माँ। और मुझे अनुभूति होने लगी शाम ठीक, और उस दिन मुझे खाना भी नहीं मतलब खाया गया, मैं नाश्ता करके मैं सो गया। उसके बाद तकरीबन 3:30-4 बजे हम उठे, मेरी मिसेज बोली खाना खा लीजिए अब 4 दिनों का है। और दादा माँ उसी पल हमें एहसास होने लगा, क्योंकि हम लोग बोकारो में, हम लोग रहने वाले देवघर से हैं लेकिन हम लोग बोकारो में रहते हैं और हमारे 100 मीटर का ही रेंज में हमारे और भाई लोग रहते हैं, मेरे तीन भैया लोग ये मेरे बोकारो में रहते हैं। और संजोग से उस टाइम माँ मेरी वहीं रह रही थी मेरे भैया के यहाँ। मुझे उस पल एहसास होने लगा कि अब मेरे घर से मेरे भैया का फोन आएगा और वो बोला जाएगा। मैं अपना मिसेज से मैं ये चीज का मैं डिस्कशन भी कर रहा था दादा माँ, और ठीक 3:30-4 बजे मेरे बड़े भैया का फोन आया और उस फोन में एक ही बात बोला गया कि आ जाओ अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। दादा माँ उस दिन मैंने परम पिता को अपने जीवंत में अनुभूति कर पाया कि परम पिता हमारे धरती पुरुष हैं। अगर पूरे मन से पूरे कर्म से पूरे वचन से अगर हम परम पिता से युक्त होते हैं तो परम पिता हमारे होते हैं। कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से अगर हम परम पिता से युक्त होते हैं तो अर्थ मान यश हमारे पीछे पीछे होंगे और सौभाग्य लक्ष्मी हमारे घर पे बनी रहेगी। ये है परम पिता का सौभाग्य दादा माँ, ये है हमारे धरती पुरुष। और उस दिन दादा माँ अब बिलीव अब विश्वास नहीं करिएगा, जिस दिन हमारी माँ का जो आत्मा का जो उनका जो निकला उस दिन शायद गंगा दशहरा था, और जिस दिन उनका ये हो रहा था उनका जो जो पंचलीन में जो विलीन हो रही थी उस दिन सर आपका निर्जला एकादशी था। और मैंने देखा दादा माँ, चूंकि मुझे
समाचार जाने का अक्सर मैं अपने जो भी हमारे लोग होते हैं, क्योंकि ये मेरा एक बचपन से स्वभाव रहा है कि मैं थोड़ा सा सोशल टाइप का मैं हूँ, मैं किसी का भी दुख दर्द में मैं थोड़ा सा मैं शरीक होने का मैं कोशिश करता हूँ, और हो भी तो क्यों नहीं, क्योंकि परम पिता ने तो हमें संकल्प चौथा संकल्प में भी ये बात बोले है ना कि आप कोई भी हित मित्र सगे संबंधी दुख दर्द में हो तो आप उनके सानिध्य में युक्त जाइए, क्योंकि आपकी बातों से लगना चाहिए, क्योंकि परमपिता के याजन का मतलब दादा माँ सिर्फ ठाकुर जी की बातें बोलना नहीं होता है, याजन का मतलब होता है सेवा देना, भाव देना, तो आपकी याजन सार्थक हुई। तो वही मैं बोलना चाह रहा था दादा माँ कि मैंने देखा अपनी माँ का जो मैं इसलिए मैं अपना इतना विवरण मैंने किया, मैंने देखा कि मात्र 1.5 घंटा के दरमियान में वो जल के एकदम वो राख हो गई। मैंने अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि अगर नहीं जलते हैं तो ऊपर से कम 5 बांस खोर के भी उसको मारते हैं कि जल्दी मतलब ये हो जाओ, हम लोग को घर जाना। मैंने देखा है अपने जीवंत में, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन दादा माँ आप बिलीव नहीं करिएगा, विश्वास नहीं करिएगा, 1.5 घंटा में पूरा वो जल के एकदम वो राख हो गई। मैंने उस दिन परम पिता को अपने जीवंत में मैंने अनुभूति कर पाया कि परम पिता क्या है, क्या हमारे आदर्श हैं। अगर हमारे जीवंत आदर्श अगर हम उनको अपने जीवंत में केंद्रित करके लेके चले दादा माँ, तो परम पिता तो हमारे परम पिता है। दादा मेरा समय हो गया दादा? 10 का टाइम है। अच्छा ठीक है दादा, ठीक है। तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभूति मैं बोल रहा था दादा, और देखिए हम लोग परम पिता के सानिध्य में तो सारे युक्त हैं। हमारे अभी पूजनीय बवैदा कह रहे थे कि हम लोग जो ठाकुर के जो प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना कितना सार्थक होता है। बवैदा कह रहे थे कि हमारा प्रार्थना दो ढंग का होता है, एक निष्काम प्रार्थना और एक होता है सकाम प्रार्थना। निष्काम प्रार्थना आप दूसरे के लिए करते हैं, ठाकुर जी उसके लिए ये हो जाए, ठाकुर जी उसका हो जाए, इसके हो जाए, मतलब परम पिता कहते हैं कि दूसरे की मंगल कामना आपकी मंगल कामना की प्रसूति। दूसरे का अगर हम मंगल करते हैं दादा माँ, तो वहां मेरा मंगल निहित होता है। दूसरे की आप मंगल करी करके तो आप देखिए ना, सेंट बेचने वाले को आप देखे होंगे, वो सेंट लगाता नहीं है, लेकिन वो जब सेंट बेचता है ना, तो उसके शरीर से पूरा सेंट की खुशबू आती है। तो आप अगर परमपिता का अगर आप दूसरे के लिए दर्द को अगर आप शेयर करेंगे ना, तो परमपिता तो आपके दर्द को ऐसे ही ले लेंगे। और एक होता है सकाम प्रार्थना कि ठाकुर जी का मैंने तो दीक्षा ले लिया, अब ठाकुर मेरे लिए ये कर दीजिए, ठाकुर मेरे ये कर दीजिए, ठाकुर मेरा नौकरी लगा दीजिए, ठाकुर मेरा बच्चे का शादी करा दीजिए, ठाकुर ये करा दीजिए, ठाकुर वो करा दीजिए, मतलब सब टाइम सब पल हर मिनट हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, ठाकुर ये कर दीजिए, ठाकुर ये कर दीजिए, ठाकुर ये कर दीजिए, बोलता है वो प्रार्थना आपका प्रार्थना सकार प्रार्थना नहीं होगा, वो प्रार्थना आपका सकार नहीं होगा। आप दूसरे के लिए जितना करिएगा वो प्रार्थना आपका सकार होगा, और आप करके तो देखिए दादा माँ, आप करके तो देखिए दूसरे के लिए, आपके लिए लगेगा कि कोई हमारे लिए कोई हमारे साथ में, हमारे साथ हर पल हर मिनट हर क्षण हमारे साथ हर पल है। ठाकुर जी के पास एक भक्त आता है और ठाकुर से कहता है कि ठाकुर जी मैं तो कभी कभी अपने आप को बहुत ही असहाय और अकेला महसूस करता हूं, आप मेरे पे ठाकुर दया करिए, मेरे दर्दी पुरुष आप दया करिए। ठाकुर बोलते दूतशाल दया तुम हमको याद करो ना, दया की तो बारिश अपने आप होगी। दादा माँ
याद अगर हम करते हैं ना परमपिता को, तो दया की तो बारिश अपने आप होता है। और ठाकुर जी ने उस भक्त को कहा भी कि कौन कहता है कि तुम अकेला महसूस करते हो, कौन कहता है तुमको, तुम नाम करो ना, नाम तुम तो करो ना, नाम अगर आप करते हैं तो आपको महसूस होगा, आपको एक एक पल का महसूस होगा कि हमारे साथ परमपिता जीवंत आत्मा में विराजमान है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या होता है दादा माँ, थोड़ी सी अगर अवसाद आ जाता है, थोड़ी सी अगर वैम्पायर अगर हम हमारे शरीर पे अगर अटैक कर देते हैं तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा उस पथ से विपथ हो जाते हैं कि ठाकुर ये चीज ठाकुर ने कहा है कि तुम्हारा जीवंत में हमारा परमपिता को अगर हम पकड़े हुए हैं तो दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगा, लेकिन वो दुख तकलीफ जिस ढंग से कमल फूल के पत्ता पे पानी गिरता है ना दादा माँ, वो पत्ता पे पानी कब गिरता है, कब नीचे से हो मतलब नीचे गिर जाता है, खत्म हो जाता है, वो कोई नहीं कर सकता है। तो आप अगर परमपिता के सानिध्य में हैं, परमपिता के रडार में हैं, परमपिता के आप नेटवर्क जोन में हैं, तो आपको एहसास नहीं होगा, ये आपको मन में विश्वास लाना होगा। परमपिता कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास दोनों जुड़वा भाई, श्रद्धा अगर आया तो आपका विश्वास भी पक्का होगा। परमपिता ने कहा भी है दादा माँ पूरे विश्वास, अगर आप पूरे परमपिता पे अगर विश्वास करते हैं, पूरे अगर आप उनपे आत्मसमर्पण कर देते हैं कि दुनिया का हम लोग होता क्या है ना कि अगर परमपिता के सानिध्य में हो जाते हैं तो कभी हम ये बाबा के पास चले गए, कभी वो मंदिर चले गए, कभी वो मंदिर चले गए, कभी ये फकीर के पास चले गए, कभी वहां पे ये हो गए, कभी वहां चले गए। ठाकुर जी ने कहा कि श्रद्धा और विश्वास एक जुड़वा भाई है, श्रद्धा अगर आएगा विश्वास, आप मन में एक जीवंत आत्मा में विराजमान करिए कि हमारे धरती पुरुष परम पिता है तो है। ठाकुर जी का मतलब होता है ठोकर मारना, वो थोड़ी सी अपनी भक्ति की तो परीक्षा लेते हैं कि आप कितना बड़ा परम पिता के भक्त हैं। दादा माँ आज का जो इस कलयुग में जितना बजरंग बली का मंदिर है उतना भगवान हो सकता है कि राम का मंदिर नहीं होगा, क्योंकि अनंत भक्त हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के बजरंग बली थे। और वो देखिए जब वो आए थे बजरंग बली तो बहुत ही बलशाली थे, बहुत ही शक्तिशाली थे उस काल में, लेकिन वो बचपन में नटखट थे, सब ऋषि मुनि को तंग करते थे, उनको कोई मुनि ने श्राप दिया था कि तुम अपनी पूरी शक्ति को भुला जाओगे, पूरी शक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी, और वही हुआ भी था, वही हुआ भी था, शक्ति वो भुला गए थे। लेकिन जब वो पुरुषोत्तम का काम करने के लिए जब निकले दादा माँ, समुद्र को भी वो लांग गए। आप सोचिए ना, वो पुरुषोत्तम के सानिध्य में थे और हम लोग कल्कि अवतार पुरुषोत्तम के सानिध्य में हैं। तो अगर हम कल्कि अवतार पुरुषोत्तम के सानिध्य में हैं तो हम जब बजरंगबली जैसा वो वीर बन सकते हैं, तो हम भी तो एक छोटा ठाकुर को अपने जीवंत में उतार पाते हैं। सिर्फ हमें जीवंत में उतारने की दरकार है दादा माँ। तो वो चीज परमपिता तो कहते भी हैं कि तुम में वो भी शक्ति आ सकती है कि मतलब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा को भी तुम टुकड़ा टुकड़ा करने की तुम्हारी में क्षमता आ सकती है। वो तुम नाम की महिमा दादा माँ, मैंने नाम के बारे में थोड़ा सा जहां तक मैंने अनुभूति कर पाया हूं मैं आप लोग के बीच में रखा कि नाम करने से आपको एक एक पल की अनुभूति होगी कि आपके पास शाम में कौन आएगा, किसका फोन आएगा आपके नंबर पे, या कौन आपसे आज मिलने वाला है, आप उस चीज को सिर्फ करके देखिए। और नाम आप जब करने के लिए बैठते होंगे तो हो सकता है कि वृत्ति प्रवृत्ति आपके आगोश में आती होगी। जैसे कोई होता है ना कि जब कोई कैंसर का पेशेंट होता है ना दादा माँ, तो कैंसर पेशेंट का जितने भी उसका जो अंदर का जो सब कैंसर का जो कीड़ा होता है, उस पेशेंट को जब वो कैंसर का जब थेरेपी जब दिया जाता है ना, तो वो सारा वो जो सब कीड़ा होता है वो बैठ वो सब एकदम एकदम स्थिर होकर बैठ जाता, मतलब केमोथेरेपी से।
और जब वो फिर उसका जब केमोथेरेपी का जब डोज होता है उसे कहा भी जाता है कैंसर का नो आंसर, और जब केमोथेरेपी का जब फिर से डोज होता है फिर वो एकदम स्थिर हो जाता है और उसका फिर डोज खत्म होता है। तो फिर तो उसी ढंग से हमारे जीवन जीवन में दादा माँ हमारा वृत्ति प्रवृत्ति उस कैंसर से भी भयंकर एकदम डिजीज है। अगर हम परम पिता के सानिध्य में नियुक्त कर देते हैं अपना अपना पूरे बाल अपना टिक्की को अगर बांध देते हैं तो हमारा वो परम पिता के सानिध्य में वो युक्त हो जाता है। वो फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि आपको किसी पथ पे विपत करने का। और वही अगर आप थोड़ा सा उस पथ से विपत होते हैं दादा माँ, तो जिस ढंग से कोई कोबरा कोई नाग सांप जो फन काटता है ना आपके, उसी ढंग से आपके जीवंत में जो वृत्ति प्रवृत्ति है वो आपके एकदम फन काट के आपको उस अपने आगोश में ले लेगा। और आप देखिएगा कोई भी शुभ काम करने के लिए जब आप जाते होंगे ना, तो आपकी वृत्ति प्रवृत्ति आपके एकदम आगोश में रह रही होगी आपके। मान लीजिए आप इसको इस भाषा में समझिए कि अगर आपके घर में कोई फ्री रह रहा है निशुल्क रह रहा है और उसको बोलिए कि दादा मेरा घर खाली कर दीजिए, वो लगेगा कि आपका जान मार देगा, गोली मार देगा। उसी ढंग से आपके अंदर में वृत्ति प्रवृत्ति आपके जान लेने के लिए तत्पर है। यही दादा कलिकाल में हमारे परम पिता हमारे जो धरती पुरुष हैं उनको अपना सानिध्य में युक्त होने का दरकार है। मेरा दादा मेरा सौभाग्य हुआ पटना में आप लोग के सानिध्य में बोलने का। मैं सबों का जीवन एक बार फिर से मैं व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन ये मंगल में हो दादा, और साथ में मुझे जो दादा ने सौभाग्य दिया आज बोलने का मेरा जीवन कृतार्थ हुआ दादा। मैं सबों का जीवन इस पटना में आबद्ध सत्संग जो आए हैं जो नहीं भी आए हैं मैं सबों का जीवन का मैं मंगल कामना करते हुए मैं सबों को मैं कहता हूँ रानंदित जय गुरु दादा।